लेकर आप लगातार पिछले 9 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये किसान महापंचायत से कुछ मामले हल निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, निकाल के छोड़ेंगे। जब दूध को बुलाएंगे तो घी निकाल के छोड़ेंगे। आज मोदी सरकार बुलाई जाएगी, जो की सरकार। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस किस जगहों से लोग आए हैं यहाँ? ऑल इंडिया छोड़ के विदेशों से भी आए हुए हैं। और बोलो, विदेशों से भी आए हुए हैं, हम अपना हक चाहेगा। सारे संगठन के लोग यहाँ पर, जितने भी, बिल्कुल एकजुट सारे संगठनों के, संयुक्त मोर्चे के सब संगठन। खाप चौधरियों के भी समर्थन पूरा मिला हुआ है, खाप सब खापों का समर्थन मिला हुआ है, कोई ऐसी खाप बार नहीं है, सब खापों का समर्थन, किसान सब एकता जिंदा हुआ। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। कब तक नहीं झुकेगी ये बताओ मेरे को आप, कब तक नहीं झुकेगी? जब तक नहीं झुकेगी तब तक हम डटे खड़े हैं, झुका के छोड़ेंगे। सरकार ये कहती है कि सिर्फ बातचीत का थोड़ा जो मामला है, एक फोन का खाली दूरी है, एक फोन की दूरी है, अगर ये फोन हो जाए तो मामला हल निकल। कहाँ पर है फोन? वो मारे को ये तो बता दो, फोन कहाँ रखा है? वो मोदी ने कहीं छुपा के रखा है अंडरग्राउंड फोन, वो कहाँ है हमें बता दो, कहाँ पर है वो काल की दूरी? हम पूछना चाहते वो फोन कहाँ पर है? हर आदमी तंग है इससे, सरकार से हर आदमी तंग है। आज आपको ये पता लग गया होगा ना ये पब्लिक से भी कितनी नाराजगी है, कितनी गर्मी में, कितनी धूप में, लोग वाल्मीकि समाज का भी कुछ नहीं करा इसने, वाल्मीकि समाज का भी कुछ नहीं करा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, और चौथी सरकार मुर्दाबाद, और समस्त भारत भाईचारा मजदूर एकता। जय जवान, जय किसान, बोलो किसान, सब हाथ खड़े करके हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, सब एक है, मोदी सरकार के खिलाफ है। किसानों का कोई धर्म नहीं होता, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सारे लोग भाई भाई, और यही भाई भाई का नतीजा है कि यहाँ पर आज मुजफ्फरनगर में कई लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये सरकार को काले कानून वापस हर हाल में करना होगा, नहीं तो 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बेदखल होना ही पड़ेगा। रॉयल बुलेटिन के लिए मुजफ्फरनगर से रॉयल बुलेटिन की पूरी टीम।